पाली शहर के श्रीराम हॉस्पिटल में कोरोना संदिग्ध मरीज की जांच करके उसे घर भेजने की जानकारी प्रशासन को नहीं देने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन ने अस्पताल के डॉक्टर्स और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में संदिग्ध मरीज बाद में की गई जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला है। दरअसल अस्पताल में 2 अप्रैल को लापोत से इलाज कराने आए एक शख्स की कोरोना संदिग्ध मानते हुए जांच की गई। उसके बाद उसे उसके घर भेज दिया गया, लेकिन उसकी सूचना जिला और चिकित्सा विभाग को नहीं दी गई। जानकारी यह है कि श्रीराम हॉस्पिटल के डॉक्टर गणपत गहलोत ने चेकअप कर जांच लिखी थी। इसके बाद 3 अप्रैल को लापोत के व्यक्ति को संदिग्ध होने की सूचना मिलते ही उसे तुरंत ही पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया, जिसकी जांच में 4 अप्रैल संदिग्ध तो मरीज कोरोना पॉजिटिव निकला। इस पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई, लापोत गांव सहित आसपास के गाँव को सील कर दिया और इस मरीज को इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया। इसके बाद मरीज का चेकअप करने वाले श्रीराम हॉस्पिटल के डॉक्टर गणपत गहलोत और अन्य को भी एहतियातन के तौर पर क्वारंटाइन किया गया। श्रीराम हॉस्पिटल के खिलाफ हमें ये शिकायत मिली कि उसने वो मुलजिम को देखने में लापरवाही बरती, जिससे जनसामान्य के स्वास्थ्य को संकट हुआ। हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम IPC की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। कौन कौन सी धारा लगी है श्रीराम हॉस्पिटल में और किन किन को आरोपी बनाया गया? इसमें डॉक्टर OP चौधरी वो आरोपी हैं, एक मिनट, डॉक्टर OP चौधरी को आरोपी बनाया गया है। ठीक है, श्रीराम हॉस्पिटल के OP चौधरी को कौन कौन सी धारा लगी है IPC की? धारा 200 / 73, 270 IPC, 52 आपदा